अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, हर तरफ स्मृति ईरानी के ही चर्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी मक्का शरीफ गई थी, मदीना मुनव्वरा गई थी और शेख लोगों ने मस्जिद नबवी के सहन तक उन्हें पहुंचाया था। उसी बीच अंध भक्तों ने बहुत सारी ऐसी है ना खबरें उड़ाई कि अब मक्का पर हमारा कब्ज़ा हो जाएगा, देखो अब हमारे लोग बग़ैर दुपट्टे के साड़ी में, हिंदुस्तानी है ना साड़ी में मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, अब वहाँ पर भी हमारा कब्ज़ा होने वाला है। स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया है। उसी बीच हम लोगों ने इसकी मुखालफत भी की और ये मुखालफत हमारी काम भी आई। स्मृति ईरानी के मदीना शरीफ से लौटने के बाद सऊदी हुकूमत ने म्यूनसिपल है ना टीम को ये हुक्म दिया, जो सफाई कर्मी होते हैं, कि जिस जगह है ना स्मृति ईरानी गई थी, जिस जगह स्मृति ईरानी मतलब घूम रही थी मस्जिद नबी के सहन के करीब, उस जगह को धुलवाया गया। म्यूनसिपल टीम को सऊदी अरब ने यह हुक्म दिया, सफाई कर्मियों को हुक्म दिया कि उस जगह को पवित्र किया जाए, पाक किया जाए। आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखो आपको हम बताना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जी जो आई थी वो यहाँ बिल्कुल यहाँ करीब तक आई थी, बिल्कुल हरम के करीब तक आप देख सकते हैं। तो उस जगह को अभी धुलाई काम चालू है, धुलाई हो रहा है। जहाँ तक स्मृति ईरानी आई थी जो है, जहाँ तक क्या ये जगह का जो है धुलाई का काम चालू है, सफाई हो रहा है, तो जगह उतना धुलाई का काम चालू है। स्मृति ईरानी यहाँ तक आई थी, आप वीडियो देख सकते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा क्लिप में किस तरीके से मस्जिद नबवी के सहन की सफाई की जा रही है, धोया जा रहा है, उसे पवित्र किया जा रहा है। यही चीज़ स्मृति ईरानी के मुंह पर, अंध भक्तों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। कहाँ अर्श पर बिठा दिया और कहाँ अर्श से फर्श पर, ज़मीन पर ला करके पटक दिया। और भाई ये अरब लोग है ना, और ये सब क्या है, सियासी लोग हैं। अब ये सियासी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यही बेहतर है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये जो काम किया है, मस्जिद नबवी के सहन की धुलाई करवाई है, उसे पवित्र करवाया है, ये अंध भक्तों के मुंह पर, स्मृति ईरानी के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। और ये वही स्मृति ईरानी है जो है ना कई साल पहले ये दावा कर चुकी हैं कि मक्का, ये मक्का शरीफ नहीं बल्कि मक्केश्वर है और आने वाले दिनों में यहाँ पर हमारी हुकूमत होगी। अब देख लिया आपने उनके साथ क्या हुआ, अब उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रही होंगी कि हमको बुलाया, इतनी इज्जत दी, सब कुछ दिया और फिर हमें ज़मीन पर ला करके पटक दिया। तो ये ख्वाबो ख्याल निकाल दें कि मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में हमारी हुकूमत होगी, हम जो चाहेंगे करेंगे, जैसे चाहेंगे जाएंगे, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। है ना, मुसलमानों का है ना अकीदत का घर है मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, यही दो तो मुसलमानों की जान है जिसके लिए मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु।